प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सूत्रों ने खुलासा किया है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी पुलिस घोटाले के सिलसिले में 14 मोबाइल फोन में 43 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जांच में बाधा डालने और सबूत मिटाने के लिए फोन नष्ट कर दिए। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि 43 सिम कार्ड में से ईडी की जांच से पता चला है कि केवल 5 आप नेता के नाम पर जारी किए गए थे या उनके स्वामित्व में थे। मनीष सिसोदिया ने ईडी को बताया, सीबीआई द्वारा जब्त किए गए फोन से पहले इस्तेमाल किया गया फोन टूट गया था और अब मेरे पास नहीं है। मुझे याद नहीं है कि क्षतिग्रस्त फोन अब कहाँ है। ईडी ने सिसोदिया द्वारा कथित रूप से नष्ट किए गए 14 मोबाइल फोन के असली मालिकों के बारे में जानकारी एकत्रित की। पता चला कि ये फोन देवेंद्र शर्मा, सुधीर कुमार, जावेद खान और रोमाडो क्लॉथ्स नाम की एक कंपनी के नाम है। दिलचस्प बात यह है कि रोमाडो क्लॉथ्स ने फोन खरीदा लेकिन विक्रेता को धोखा दिया क्योंकि उनका चेक बाउंस हो गया। फोन के मालिक ने अब फर्म के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया है। सिसोदिया का करीबी देवेंद्र उर्फ रिंकू आप नेता की तरफ से जावेद खान का फोन इस्तेमाल कर रहा था। देवेंद्र ने सितंबर 2022 में मनीष सिसोदिया के लिए वन टाइम पासवर्ड ओटीपी के काम के लिए जावेद खान से फोन उधार लिया था। हालांकि फोन को अक्टूबर 2022 में फॉर्मेट किया गया था और ईडी ओटीपी संबंधित एसएमएस को पुनः प्राप्त नहीं कर सकी। फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने स्थापित किया कि घोटाले की सीबीआई जांच के लिए एलजी के आदेश के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स सामने आने के बाद तुरंत सिसोदिया ने 23 जुलाई 2022 को सिग्नल और व्हाट्सएप को फिर से स्थापित किया। ईडी के सूत्रों ने कहा कि सिसोदिया 11 महीने से आईफोन 13 मैक्स प्रो का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन एलजी के जांच के आदेश के तुरंत बाद इसे नष्ट कर दिया। ईडी ने आगे आरोप लगाया कि सिसोदिया ने एक रिकवरी उपकरण बनाने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के गठन की सुविधा प्रदान की। दक्षिण समूह द्वारा विजय नायर को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। इंडो स्प्रिट्स ने सिसोदिया और नायर की मदद से L1 लाइसेंस हासिल किया जिसमें 192.8 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया जो POC है। शरत रेड्डी द्वारा नियंत्रित 3 संस्थाओं का बकाया भुगतान ट्राइडेंट चैम्पर, अवंतिका कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्गोनॉमिक्स इकोसिस्टम इंडो स्प्रिट्स के लिए 60 करोड़ रुपए है। यह बकाया भुगतान POC है। इंडो स्प्रिट्स द्वारा 4.35 करोड़ रुपए के अतिरिक्त क्रेडिट नोट जारी किए गए। 163.5 करोड़ रुपए का मुनाफा प्रीनोड रिकॉर्ड द्वारा अर्जित किया गया। इस फर्म ने एक सुपर का गठन किया साउथ ग्रुप के साथ कार्टेल और 45.77 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। इन सभी को POC माना जाता है। उन्होंने कहा कि ईडी को आगे पता चला है कि साउथ ग्रुप ने शरत रेड्डी से जुड़ी संस्थाओं के खाते में 41.13 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी डाली। यह और कुछ नहीं बल्कि रिश्वत वसूल करने का एक अवैध तरीका था। जब पूछताछ की गई तो वित्त टीम ईडी को कोई संतोषजनक कारण बताने में विफल रही। ईडी ने आरोप लगाया है कि इसके अलावा पंजाब सरकार की मशीनरी के दुरुपयोग और महादेव लिकर को मड़ोर कर दो फर्म शिव एसोसिएट और दीवान स्प्रिट्स ने 8.2 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। आरोपी अमित अरोड़ा ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। सिसोदिया को दिनेश अरोड़ा के माध्यम से और अमन ढल द्वारा अतिरिक्त क्रेडिट नोट के माध्यम से दिए गए 4.9 करोड़ रुपए की रिश्वत जो कि POC के अलावा और कुछ नहीं है। सूत्रों ने कहा कि अगर हम सब POC को जोड़ते हैं तो यह 622.67 करोड़ हो जाएगा। हमने पूरी राशि को POC करार दिया है। ईडी ने मामले की गहन जांच के बाद एक निर्विवाद आरोप पत्र दायर किया है। ईडी भी आने वाले दिनों में अपनी 5वीं चार्जशीट दाखिल कर सकता है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।